भाइयों हम पहुंच गए हैं नटवर लाल के गांव में। नटवर लाल जब भी कोई धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, ठगी करता है, तो लोग उसे नटवर लाल की संज्ञा देते हैं। लेकिन बहुलता में लोग जानते नहीं कि नटवर लाल कौन थे। नटवर लाल एक ऐसा सातिर ठग, एक ऐसा फरेबी जिसने संसद भवन को बेच दिया। संसद भवन को तब बेचा जब सारे सांसद संसद भवन में मौजूद थे, राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। और तो और ताजमहल को दो दो तीन तीन बार बेच दिया। हम ऐसे नटवर लाल के गांव में, एक बार चेहरे पर इनके सभी के मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, किंतु इन लोगों को गर्व है नटवर लाल पर। नटवर लाल के घर हम आपको ले चलते हैं। नटवर लाल के गांव में हम हैं। यह एक टूटा फूटा बंगला आप देख रहे हैं, कभी भी धराशाही हो सकता है। ये बछिया तू आ जा, यार गिर जाई घरवा, आ जा तू आ जा। देखिए है या कोई सरकारी भवन रहा होगा, अभी इन लोगों से ही हम बात करेंगे और नटवर लाल के घर हम ले चलते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें, नटवर लाल को यदि सारी सजाएं का आकलन कर लिया जाए तो 111 साल की सजा उनको हुई थी। अंतिम बार नटवर लाल ने मृत्यु को भी धोखा दे दिया और फरार हो गए। जब भी पुलिस पकड़ती थी नटवर लाल फरार, जब भी पुलिस पकड़ती थी कोई ना कोई कारण ऐसा था कि नटवर लाल फरार। तिहाड़ जेल की बड़ी बड़ी दीवारें भी नटवर लाल को रोक नहीं पाई। हम इस समय बिहार में हैं और बिहार के सिवान में। यह गांव कौन सा भैया? ये रुइया बंगरा है। रुइया बंगरा। हाँ। प्रखंड कौन सा है? जीरादेई। जीरादेई। जीरादेई का नाम आते ही महामहिम का की आकृति, उनका नाम लोगों के मानस पटल पर आ जाता है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू का घर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। 3 किलोमीटर। और राजेंद्र बाबू ने एक बार बुलाया था महान ठग को, बड़े ठग को, और कहा था कि हमारा हस्ताक्षर बना दो। तो खट इन्होंने, नटवर लाल ने उनका हस्ताक्षर बना दिया। उन्होंने कहा कोई नौकरी कर लो, चलो हम नौकरी दिलवा देते हैं। नटवर लाल को नौकरी पसंद नहीं थी। नटवर लाल सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आप जानते हो नटवर लाल को? हाँ। अच्छा, कौन थे जी? वो एक अच्छे व्यक्ति थे जो चोरी करते थे बट अच्छे के लिए। वाह, क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक ने कहा चोरी करते थे, ठगी करते थे, लेकिन अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे काम के लिए। तो क्या ये सभी तो चोरी करते हैं, जो नेतवा हैं, नेतवा भी चोरी करते हैं और लोगों में दान कर देते हैं? बट वो दूसरे व्यवहार से करते हैं। मतलब नेता नहीं थे वह? हाँ। लेकिन अच्छे आदमी थे। हाँ। अब उनके घर हमको ले चलो। अब विवेक ले चलते हैं हमको उनके घर। आप यहीं की हैं? अच्छा, क्या है, किसी सेवा में है क्या? अच्छा, उनकी पटीदार हैं। क्या नाम है आपका? कुमकुम। कुमकुम जी, नटवर लाल जी को जानती हैं? हम जानते तो हैं लेकिन देखे तो हम लोग हैं नहीं। देखे नहीं है, सुने हैं। क्या सुने हैं? क्या सुनी है उनके बारे में? वो मैंने, मेरे फादर थे ना, फादर थे मेरे। हाँ। उन्हीं के साथ रहते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने बचपन का बात बताते हैं मेरे फादर। मेरे फादर भी अभी नहीं है। हाँ। तो वही कहते थे कि दिमाग उनका बहुत ज़्यादा तेज था। हाँ। उनका कभी ऐसा ये हुआ था कि मैंने, हम अगर एक साइन देख लेंगे तो साइन करके पूरा लोग को दिखा देंगे। हाँ, बहुत दूरी से ही उनका ये था माइंड कि ऐसे 2-4 गज दूरी पर भी देखेंगे कि कौन कैसे लिख रहा है तो ऐसा साइन कर देंगे, बता रहे थे। अच्छा, लेकिन बेचारे नहीं रहे। हाँ। कहा, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कब मरे? नहीं, ये तो नहीं, नहीं। अंतिम बार नटवर लाल जी ने मृत्यु को भी धोखा दे दिया। अब चलिए भैया हम घर चलते हैं, आप लोग पहुँचाइए। आओ विवेक, आओ। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं उनके घर और दिखा रहे हैं। यह इस गांव में मुखिया कौन है? देवेंद्र चौधरी। अच्छा, सभी के घर शौचालय बन गया है कि नहीं? हाँ, सबके घर शौचालय है। विवेक सही बताएगा, अभी तो कुछ लोगों के घर नहीं होगा, कुछ लोग बाटल लेके जाते होंगे। मेरे को उतना अच्छे से मालूम नहीं कि इसलिए मैं बाहर रहता हूँ। अभी छुट्टियों में। बाहर कहाँ रहते हो? मैं अभी असम में हूँ। अच्छा, असम में रहते हो? हाँ। तो कैसे जान गए इनको, असम में रहते हो तो? जब मैं यहीं यहाँ पे रहता हूँ ना, तो मैं सुना हूँ, दादा मेरे बताते हैं इनके बारे में। अच्छा दादा, एक बार हम उनका डीह दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं। ये नहीं, उनका भाई का। अच्छा, वो वाला उनका है। अच्छा, ये उनका। अच्छा अच्छा, ये उनके भाई का है। चलिए अब हम भीतर चल रहे हैं।
बोलो 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 नटवर लाल की जय। यही है भैया उनका घर। आइए भैया दिखाइए थोड़ा। यही है तो। यही है। अच्छा वो है, वो भी है जी। यही वह व्यक्ति पैदा हुआ जिसने संसद भवन को बेच दिया राष्ट्रपति। अच्छा आ जाइए राष्ट्रपति। हाँ वही वही डी है, डी डी ना है। आ जाइए आप लोग इधर आ जाइए। चलिए हम इन लोगों से भी बात करते हैं। तो हम लोग जैसे ही जीरादेई से प्रस्थान किए हैं वैसे ही लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि इधर ही नटवरलाल जी का घर है और लोगों ने मुस्कुरा करके बताया है। मैंने बताया कि अगर सारी सजा को जोड़ दिया जाए तो यह 111 साल की सजा हुई। अंतिम बार 1996 यह 70 से 90 के दशक में, मतलब 1970 से 90 तक इनका वर्चस्व था और उन्होंने लगातार इस तरह की घटनाओं को किया। चाहे धीरू भाई अंबानी हों, चाहे बड़े बड़े और भी लोग हों, उनको भी इन्होंने ठगने का काम किया। जाते थे समाजसेवी बन करके। उनके समय का कुछ है क्या यहाँ? उचारपाई का गोड़ा उड़ा होगा उनके समय का? नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा अंतिम बार 1996 में न्यायालय के आदेश पर नटवरलाल आते हैं, उन्हें तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाया जा रहा था। उसी समय दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दो तीन हवलदार थे, मेडिकल के एक डॉक्टर साहब थे और थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज हम हाँफने लगे, दर्द हुआ उनको। एक गया दवा लेने, एक गया पानी लेने और फिर शौच के लिए गए। वहीं से फरार हुए बेचारे और आज तक नटवरलाल जी का पता नहीं लगा। नटवरलाल तो अब नहीं होंगे ना? नहीं। आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार। रंजय कुमार तो कैसे व्यक्ति थे जी? बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान थे। आप लोग अच्छे हो, वह भी अच्छे थे, लेकिन आप लोग उससे भी अच्छे हो जो ऐसा कह रहे हो जी। तो यह गांव है हमारा, गांव हमारा जिला, हमारा गांव हमारा प्रदेश, हमारा गांव हमारा देश और हमारा गांव हमारी दुनिया। हमें अपने गांव पर नाज है और गांव के नटवरलाल पर भी नाज है। तो यहाँ कोई मूर्ति उर्ति नहीं बनी उनकी? नहीं नहीं, नहीं सर। अच्छा आ जाओ आप। क्या नाम है? मनु कुमार। मनु कुमार पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? 10th में। 10th में। अच्छा ये बाल कौन सी कटिंग है जी? इसको क्या बोलते हैं? बताओ ऐसे बताओ क्या बोलते हैं? स्पाइस स्पाइस टू साइड बोलते हैं इसको। टू साइड। अच्छा तो ऐसे है, बहुत जानकार हैं आप। कैसे पता? नहीं सर मैं भी कटाता हूँ ना बाल। अच्छा ये कटाते हैं। अच्छा आप लिए हैं इस जमीन को? जी उनके भाई से लिखवाए थे हम। अच्छा उनके भाई का क्या नाम था? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी। तो यह रहे नटवरलाल के नाम से आप सभी परिचित हैं। कभी किसी को अगर ऐसे बोलना होता है तो लोग नटवरलाल की संज्ञा देते, अरे ये तो नटवरलाल है। बच्चों नटवरलाल है, मिस्टर नटवरलाल। वाह वाह आ जाओ एक बार फिर। बधाई बधाई मिस्टर नटवरलाल। यह है देखिए गांव का सम्मान है और गांव में चाहे जो भी कहा जाए, बाहरी लोग अगर कुछ कहते हैं तो गाँव को अच्छा नहीं लगता है, यही ना। तो दोस्तों हम आ गए हैं यह सिवान। अगर आना हो कभी यहाँ तो सिवान रेलवे स्टेशन से आप उतर करके आएंगे अथवा जीरादेई। जीरादेई रेलवे स्टेशन भी है लेकिन वहाँ ट्रेनें नहीं रुकती। नहीं रुकती है। नहीं रुकती, रुकती है सर। रुकती है, बहुत कम रुकती हैं, पैसेंजर रुकती हैं। बहुत बढ़िया एक्सप्रेस पर। हाँ लक्ष्मी बाग एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस, यही तीन रुकती हैं। अभी समय तो मान लीजिए अभी नहीं रुकती हैं, शेष पैसेंजर ट्रेनें ही रुकती हैं। तो या तो अगर सिवान से आना हो तो सिवान से कितना दूर पड़ेगा? या सिवान से 20 किलोमीटर पड़ेगा सर। सिवान से 20 किलोमीटर और जीरादेई से स्टेशन से 6 किलोमीटर लगभग। हाँ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर और सड़क मार्ग से यदि आना हो तो कहाँ? नज़दीक का बाज़ार जामापुर पड़ेगा सर। जामापुर से। चलिए भैया यह धन्य है वह डी, धन्य है वह माटी जिसने इस तरह के करामात किया। लेकिन गांव वालों को गर्व है कि यहाँ नटवरलाल पैदा हुए और नटवरलाल ने संसद भवन से लेकर के और बड़ी बड़े महलों को बेच दिया। नटवरलाल की संतान नहीं है कोई? एक लड़की। एक लड़की। एक लड़की है। अच्छा एक लड़की है। कहाँ शादी हुई और कोई पता नहीं है? एक लड़की है इनकी। लड़की क्यों थी? हाँ आई होता है। हाँ 2 साल पहले डेट कर गई। अच्छा उनकी लड़की थी, वो अभी दिवंगत हो गई।
शादी कहाँ हुई थी नटवर लाल की? ये नहीं पता है। ये नहीं पता है जी। ये है कि नटवर लाल अमर रहेंगे नहीं जी। तो नारा नहीं लगाएंगे आप लोग? क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ, नटवर लाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नटवर लाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खुश होके लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा और तेज लगाइए। नटवर लाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नटवर लाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय है, और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने नारा लगवाया है। जब इन लोगों को नटवर लाल पर गर्व है, तो जिसके ऊपर गर्व है उसके ऊपर उसकी जयकार, उसका जयकारा भी। लेकिन अभी तो मरे ही नहीं है ना, उनको अमर कैसे कहा जाए? छानबे से, छानबे से गए तब से। सरकार के पास डिटेल्स होगा इसके बारे में? सरकार के पास कोई डिटेल्स नहीं है। सरकार ने कहा भैया हे नटवर लाल, अब हम आपका पीछा नहीं कर पाएंगे, हम हथियार डाल। अच्छा, चुनाव आ गया है? हाँ सर। चुनाव में क्या हो रहा है जैसे यहाँ? यहाँ चुनाव में यही है सर। अच्छा, आप लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं कि नटवर लाल के नाम पर कुछ होना चाहिए? हाँ सर, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो गवर्नमेंट से बोलता हूँ सर, गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ अच्छा बने, उनके मूर्ति बने, लगाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा कोई भव्य बिल्डिंग बनाया जाए। जब सभी लोग मिल के उखाड़ नहीं पाए, सारे सांसद लोग और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ बिगाड़ नहीं पाए, सब बेच दिया उन्होंने, तो भैया ये लोग नतमस्तक होके गाँव का विकास तो करें, क्यों बताओ? हाँ जी, विकास होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। तो विकास के नाम पर किसको वोट दिया जा रहा है इस बार? इस बार तो लालू यादव को देंगे हम लोग वोट, तेजस्वी यादव को। अच्छा, आरजेडी को वोट करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। लालू को जानते हो? लालू यादव को? अच्छा, वो कहाँ है इस समय? पटना में कहाँ है? पटना, पटना है ना, तो चुनाव प्रचार कर रहे होंगे ना। अच्छा विवेक, अच्छा आ जाओ बेटा। देखे हो कभी लालू यादव को? नहीं। क्या थे वो? क्या थे वो? लालू यादव एक एथी थे, SCM मुख्यमंत्री एथी थे। एथी से आप घबराइएगा मत, एथी आ ही जाता है, एथी और क्या बोलते हैं। चलो, तो लालू यादव एथी थे, CM थे। चलिए आप लोग इसका हम आनंद नहीं, मतलब जैसे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, यह भाषा है, प्रचलन में है। क्यों विवेक, यहाँ प्रचलन में है, तुम तो असम में रहते हो, आ जाओ। तुम भी ये थी कभी कभी बोल देते हो? हाँ। अच्छा, बिहार के बाहर भी ये थी है कि ये थी रह गया है? नहीं, बिहार ये थी, थी रह गया है कि बिहार के बाहर भी है? बिहार के बाहर भी है, बिहार के बाहर भी है। तो इस समय लालू यादव कहाँ प्रचार कर रहे हैं? अभी तो सर जेल में है। जेल में है? हाँ। काहे के बतौला, इन लोग से पूछत रह लिया थे। बहरहाल चलिए दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा, और यह नटवर लाल का डी है, पैतृक भूमि है, जिसे एक यहीं के नागरिक ने खरीद लिया है, और यही नटवर लाल पैदा हुए थे, कई भाई थे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।